Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm gonna share four different DIY ideas of hanging lamp. So this video is gonna be very helpful for you, so don't waste any time. Let's get started into the video. सो मेरा जो फर्स्ट डीआईवाई है उसके लिए मैं ले रही हूँ बहुत सारे टिश्यू पेपर्स, देन दिस फेविकॉल एंड टू और थ्री डिफरेंट शेप्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स. सो लेट्स जंप इनटू द मेन पार्ट. सो पहले जो मैं ले रही हूँ प्लास्टिक के ट्रे, उसके अंदर बहुत सारे टिश्यू पेपर्स को मैं अच्छे से फाड़ ले रही हूँ और इसके अंदर रख रही हूँ. अब जितना मर्जी हो सके उतना मर्जी अच्छे से कट कर लो, छोटा बड़ा पीसेस में आपकी मर्जी. अब सेकेंड वाला जो कंटेनर मैं ले रही हूँ इसके अंदर मैं वाटर एंड फेविकॉल का एक अच्छा वाला मिक्सचर रेडी करूँगी, जो कि ज़्यादा रनी भी नहीं होगा, ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, एक मीडियम कंसिस्टेंसी में आएगा. एंड देन द मेन पार्ट विच इज़ दिस बलून. आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, बी केयरफुल फॉर दैट, कि ये वाला जो नॉट है बहुत ही अच्छी तरह से टाइट करके बांध देना है. And now you can see that I'm sticking all the tissues using fevicol and water mixture. And one thing which is that you have to be very careful. ये वाला जो प्रोसेस है, आई मीन लेयरिंग वाला जो प्रोसेस है, ये रिपीटली करना होगा, क्योंकि टिश्यू बहुत ही थिन होते हैं. सो इसको बहुत ही स्टडी, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बेस बनाना होगा. इसीलिए ये वाला जो लेयरिंग का पार्ट है इसको बहुत ही ध्यान से केयरफुली लेयरिंग करना होगा, ताकि ये जो वॉल है ये एकदम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बने. ओके, सो आफ्टर ऑल दिस लॉन्ग प्रोसेस यू हैव टू ड्राई इट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स एंड लुक एट द रिजल्ट. इट लुक्स एब्सोल्युटली फाइन. बट मैं और एक चीज़ कर रही हूँ, ये वाला जो वॉल है इसको थोड़ा और स्टडी और हार्ड फोटोवेगन से बनाने के लिए. इसीलिए मैं एक कंटेनर में व्हाइट सीमेंट ले रही हूँ, इसके अंदर थोड़ा बहुत ग्लू एंड वाटर का एक पेस्ट बना रही हूँ. ये वाला जो मिक्सचर है ये थोड़ा पेस्ट फॉर्म में आएगा. इसको थोड़ा हल्के से ब्रश अप करूँगी. तो आप देखते रहिए. नाउ कमिंग टू द बेस मेकिंग पार्ट. फॉर दैट मैं एक कंटेनर के अंदर वाटर, व्हाइट सीमेंट एंड फेविकॉल का मिक्सचर रेडी करके इसको ड्राई करने के लिए 24 आवर्स के लिए रख रही हूँ. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ दैट बलून रिमूविंग पार्ट. इन दिस पार्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो ये वॉल टूट भी सकते हैं और शेप भी चेंज हो सकता है. सो थोड़ा बहुत केयरफुल रहिए. So now you can see that it's completely ready, but I want to give it a few color effect. So I chose two colors. One is white and other one is grey. आपके पास अगर grey ना हो तो आप white and black को मिला के grey बना सकते हो. So let's just color it. Okay, so now we can see these three wooden sticks. I just want to make some stand like thing, so I'm just placing it with that base mixture. But mind one thing, do the process when the mixer will get 50% dry. I am using white spray paint for the base part and the wooden stainer which is from Itsy Bitsy. So I'm just using for the wooden sticks. Okay, so that's the result. I'm just placing the spherical part at the top. Into it you can add some fairy lights or any type of colorful lights. इसको आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हो या फिर टेबल के ऊपर. इट विल लुक गुड. कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वाला डी आई ईजी था या नहीं. सो कमिंग टू द नेक्स्ट डी आई वाई.
So for next DIY, I am taking two embroidery hook, some bamboo stick and fabric का जो clay आता है वो अभी दोनों mixture को एक साथ मिला के जो clay ready होगा उस clay को मैं embroidery hook का जो gap आते हैं ना वो gap fill करने के लिए use करूँगी. तो अच्छी तरह से one by one दोनों embroidery hook ready करने के बाद इसको थोड़ा dry करने के लिए रख दूँगी और थोड़ी देर बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ूंगी. नेक्स्ट स्टेप में मैं लैम्प का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी करूंगी. इसके लिए मुझे चाहिए बैम्बू स्टिक. बैम्बू स्टिक को दोनों एम्ब्रॉयडरी हुक के साथ जॉइन करूंगी, अटैच करूंगी अगेन क्ले की मदद से. नाउ वन बाई वन सारे के सारे बैम्बू स्टिक्स को मैं दोनों एम्ब्रॉयडरी हुक के साथ अटैच करूँगी. जब ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बाहर का जो पोर्शन है उसको मैं कवर करूँगी. कवर करने के लिए मैं ले रही हूँ वाइट कलर का आर्ट पेपर. अब चार्ट पेपर या फिर थोड़ा और मोटा करके कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो इन वाइट कलर. As you can see that I have used this white color fabric around the whole lamp and then I just want to make some paintings. For that I am taking few colors like black, yellow, green and terracotta red. So I am making some leaves. You can make something other else like flowers, birds, whatever you can want. Ab chahte ho to isko waise hi rehne de sakte ho, simple white blank. Don't do any type of paintings, it will look good also. And after all this long procedure, I'm placing the bulb and let's see the result. Then for the third DIY, we need some cardboard boxes, so I just chose that and you can go for something bigger or smaller, whatever you want. Then we need some paints and compass. Here you can see that I'm creating some holes using this compass. After all this long procedure, इसके ऊपर मैं कलर करूँगी. कलर के लिए मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर की जो मैट स्प्रे पेन आते हैं वो. आप चाहो तो एक्चुअली कलर भी यूज़ कर सकते हो. देन सिंपली होल क्रिएट करके आप इसके अंदर बल्ब को फिक्स कर सकते हो एंड यू कैन यूज एज अ स्पॉटलाइट एंड हियर वी गो. एंड फॉर द लास्ट डीआईवाई व्हिच इज दैट हैंगिंग बास्केट लैम्प. फॉर दैट वी नीड अ बास्केट एंड मल्टी कलर टूल. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मेकिंग टेसल्स. मैं इधर हर एक कलर को यूज़ करके दो या तीन टेसल्स बनाऊंगी. अब चाहो तो एक कलर ही फिक्स करके सारे के सारे टेसल्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको बहुत ही कलरफुल बनाने के लिए मैं बहुत सारे कलर्स को इधर यूज़ करूंगी.
ये बहुत ही ईजी है बनाना, आप जैसे कि देख ही सकते हो। इसको मैं 32-34 राउंड्स करूँगी हर एक टेसल्स को बनाने में। नाउ टेसल्स बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद इसको मैं फिक्स करूँगी। फिक्स करने के लिए मैं ले रही हूँ फेविकॉल, आप चाहो तो एनी टाइप ऑफ ग्लू यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो स्टिचिंग भी कर सकते हो। अब ए हो चुके हैं कंप्लीट। अब बीच का जो पार्ट है बास्केट का, उसको ड्रिल करके मैं बल्ब को फिक्स करूंगी। सो लेट्स सी द रिजल्ट। सो दैट वॉज टुडेज़ वीडियो गाइज। इफ यू थिंक दैट ऑल द आइडियाज वॉज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब क्राफ्ट सीरीज ऑल्सो, स्टे कनेक्टेड एंड see you next video. Bye-bye.